आज आपको ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र धरती पर, जहां से पतित पावनी गंगा का उद्गम हुआ है। गंगोत्री तक तो सैलानी आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन गंगोत्री से आगे गोमुख तक पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन 18 किलोमीटर की ये यात्रा आसान नहीं है, इतनी दुरूह है कि लोगों को जिंदगी की हकीकत का एहसास हो जाता है। गंगोत्री से चलने पर पहले हरे भरे जंगल और खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ऊबड़ खाबड़ और पथरीले खतरनाक रास्ते शुरू हो जाते हैं। रास्ते भर कई छोटे छोटे ग्लेशियर नजर आते हैं और गगनचुंबी पहाड़ों की चोटियां सारी थकान दूर कर देती हैं। लेकिन 3-4 घंटे चलने के बाद 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित मिलता है पहला पड़ाव चीरवासा। वैसे चीरवासा का अर्थ होता है चीड़ और वासा का अर्थ होता है रुकने का स्थान। लेकिन यहां से जिधर भी देखें चारों ओर ऊंचे ऊंचे चमचमाते बर्फ से ढके पहाड़ हैं। कभी कभी चीरवासा की पहाड़ियों पर ऊपर पहाड़ी बकरियां या भेड़े भी नजर आती हैं। गंगोत्री 14 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पार कर इस खतरनाक रास्ते का सबसे अंतिम पड़ाव पड़ता है भोजवासा। भोजवासा तक चलते चलते सैलानियों की थकान से हालत इतनी खराब हो जाती है कि यहाँ शरीर जवाब देने लगता है। ऐसे में यहाँ स्थित लाल बाबा का आश्रम लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाला साबित होता है। वैसे भोजवासा से गोमुख की दूरी ज्यादा नहीं है, कुल 4 किलोमीटर की है, लेकिन यही 4 किलोमीटर जिंदगी के सबसे कठिन पल हो जाते हैं। जब भोजवासा से आगे बढ़ते हैं तब ये महसूस होता है कि आखिर लोग यहाँ तक पहुँचते कैसे होंगे। कहीं धूप तो कहीं छांव के बीच यहाँ चलने वाली तेज हवाएं या शीतलहर जो हड्डियों को जमा दे, ऐसे में यात्रियों पर दूसरी मार पड़ती है ऑक्सीजन कम होने की, जिसकी वजह से लोगों की सांसें फूलने लगती हैं। वैसे गोमुख से 500 मीटर पहले ही यात्रियों को रोक दिया जाता है, पर जो जाते हैं वे अपने रिस्क पर जाते हैं। 500 मीटर के इस रास्ते में न तो पगडंडी है और न ही कोई रास्ता बताने वाला। यहाँ ग्लेशियर कब पिघल कर गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर ये छोटी सी गुफा जैसी दिखने वाली जगह ही गौमुख है। इसे ही गंगा का उद्गम स्थल माना गया है। यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचने के बाद जल्द वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि कब लैंडस्लाइड हो जाए या कब मौसम खराब हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एक बार यहाँ की यात्रा करने के बाद सांसारिक आपाधापी, बनावटी दुनिया या भौतिकता का जो पर्दा आंखों पर पड़ा होता है वो हट जाता है।